स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद लाला जगत नारायण की 43वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पंजाब केसरी समूह द्वारा देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविरों की श्रृंखला के तहत आगरा में भी एक विशेष आयोजन किया गया। यह रक्तदान शिविर लोकहितम चैरिटेबल सोसाइटी के सहयोग से सोमवार को डी ब्लॉक कमलानगर स्थित लोकहितम ब्लड बैंक पर आयोजित किया गया। इस शिविर में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वैच्छिक रक्तदान किया। 27 लोगों ने इस अवसर पर रक्तदान किया, जिससे कई जरूरतमंदों को जीवनदान मिल सकेगा। समाज सेवी मुकेश कुमार गर्ग ने रक्तदान करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और इससे कई जीवन बचाए जा सकते हैं और इससे बहुत फायदे भी रहते हैं, हमें बॉडी के भी फायदे रहते हैं, ब्लड भी सर्कुलेट रहता है और न्यू जनरेशन को ब्लड डोनेट करना चाहिए और करते ही रहना चाहिए और इससे हमें बहुत ज़रूरतमंद लोगों को भी देना चाहिए, वैसे भी करना चाहिए और मैं हमेशा करता हूँ और मैं यही राय दूंगा कि सब लोग को करना चाहिए, हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदे भी हैं और ज़रूरतमंदों की रक्षा भी होती है इससे। कृपया इस मुहिम में आगे बढ़ें और रक्तदान करें। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में लोकहितम ब्लड बैंक के स्टाफ सदस्यों का विशेष सहयोग रहा, जिनमें रोहित अग्रवाल, निखिल गर्ग आदि शामिल थे। इस अवसर पर उपस्थित रक्तदाताओं ने अपने अनुभव साझा किए और दूसरों को भी रक्तदान के महत्व के बारे में बताया। रक्तदान शिविर का उद्देश्य न केवल रक्त की आपूर्ति को सुनिश्चित करना था, बल्कि लोगों में समाज सेवा और दान के प्रति जागरूकता फैलाना भी था। हर समाज के हर व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए। समय समय पर रक्तदान करने से रक्त भी सर्कुलेट होता रहता है, बॉडी भी फिट रहती है। दूसरी चीज़, समाज में जो ज़रूरतमंद हैं उनको रक्त की ज़रूरत होती है और ये रक्त केवल जब हम लोग रक्तदान करेंगे तभी उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। तो मेरी हर व्यक्ति से यही अपील है कि रक्तदान करें, रक्तदान महादान। इस तरह के आयोजनों से ये स्पष्ट होता है कि समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे ऐसे कार्यक्रम समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करते हैं। मून न्यूज़ के लिए कैमरामैन ताराचंद के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।